हमारी भी लाइफ है, हमें भी फ्रीडम चाहिए, अब हम भी कितना सैक्रिफाइस करें। ये सैक्रिफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है, नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है, और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं पैसा बचाओ, लड़के की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो गए। पर अब साथ में रहे और रोज रोज झगड़े हो। हाँ झगड़े तो हो तो इससे बेहतर है कि अलग अलग रहो। अलग? हाँ अलग रहने से प्यार बढ़ता है। अलग रहने से प्यार बढ़ता है तो माँ बाप को भी है ना, बच्चे पैदा हो तो सीधा अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए। अनाथ आश्रम? हाँ भाई अलग अलग रहो ना, प्यार बढ़ेगा। दोस्तों ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना, कभी रोना मत, कभी आंसू मत बहाना बेटा। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। समझदार होते हैं, ये बात है बिल्कुल। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। वक्त जब आके फेर लेता है ना तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। शेर अच्छे वक्त के समय दहाड़ता था, लेकिन जब वक्त जब आके फेर लेता है शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। उस दिन कुत्ते की चलती है और शेर बैठा रहता है। जैसे लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने करियर को लेकर के, फेलियर हो गया तो दिल पे ले लिया कि पता नहीं क्या हो गया, जरा सा कुछ लॉस हो गया तो जिंदगी भर उसको बस याद कर रहे हैं बैठे बैठे कि 30 साल पहले ना मेरे से वो गलती हो गई थी, अगर वो नहीं हुई होती तो पता नहीं आज मैं कहां होता। उस बैगेज को क्यों उठा करके घूम रहे हो? पार्क में खेलते थे अपने दोस्तों के साथ में, इतनी बार जीत गए इतनी बार हार गए, कुछ याद है क्या? तो वो क्यों याद है? क्योंकि आप सीरियस हो गए हो करियर को लेकर। करियर किस लिए होता है? पेट भरने के लिए। पेट तो जानवर भी भरते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? इससे ऊपर करियर की क्या इंपॉर्टेंस है बताओ? अगर डीप विदिन आपने खुद को जान लिया है, खुद को समझ लिया है, जो जानना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो क्या होता है, काम भी आपके लिए खेल हो जाता है। दुनिया को लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, कुछ नहीं है। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए खत्म सारी नाटकबाजी, और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने सुबह 4 बजे अलार्म बजा, अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं, ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा 4-5 पे उठ जाएंगे सर, आप इसकी चालाकियां समझो सर, और आपने आंख बंद कर ली। और जैसे ही आपने आंख बंद की अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ, अब पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से, आप उखड़े हुए हैं पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको, पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे, ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो, ये इसकी चालाकियां हैं। जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा दूसरे दिन शाम को भी, आप कहेंगे कि कल तो उठना ही, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है और 3:50 पे उठना है, फिर सुबह वही नाटक कर देगा।